रिपोर्ट में मैं हूँ आपके साथ, मैं अनामिका। कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है और कोरोना जो है वो अपनी जगह पर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां जो हैं वो वर्चुअल रैली के जरिए वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वर्चुअल रैली के जरिए प्रत्याशी कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फोन उपभोक्ताओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में बिहार फिसड्डी है, यानी कि पीछे है। यहाँ प्रति 100 लोगों में महज 59 लोगों के पास ही फोन कनेक्टिविटी है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 89 है। ट्राई की इस रिपोर्ट के अनुसार 100 लोगों में इंटरनेट के महज 32 यानी कि 32 ग्राहक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 54 ग्राहक का है। बहरहाल शहरी आबादी की हालत तो आपने देख ली है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों की रिपोर्ट भी देखिए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 89% लोग रहते हैं, जबकि रिपोर्ट बताती है कि प्रति सैकड़ा 22 लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की माने तो बिहार की 61% महिलाएं जो हैं और 36% पुरुष जो हैं वो टीवी से दूर हैं। दुनिया इतनी आगे है, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें हैं। गौरतलब है कि विपक्ष शुरू से ही वर्चुअल रैली का विरोध करता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ज्यादातर लोग जो है वो मताधिकार से भी वंचित हो जाएंगे, यानी कि वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ऑनलाइन और वर्चुअल में सफलता मिल रही है। जहां मोबाइल फोन नहीं है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता टेलीविजन और ब्लूटूथ के माध्यम से वोटरों को जोड़ रहे हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता ना सिर्फ मोबाइल से लैस है, बल्कि संगठन ने बूथ स्तर तक सप्तऋषि का भी गठन किया है। इसलिए बीजेपी के लिए वर्चुअल जो रैलियां हैं या फिर वर्चुअल जो चीजें हैं वो कोई चुनौती नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।